अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजरानी जी की खीर तो तैयार हो गई है, लेकिन ये दालचीनी कहाँ रह गई? पेंट्री में भी इतना समय नहीं लगना चाहिए था उनको। बीजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दालचीनी हम सबको यहाँ देखकर प्रतियोगिता छोड़कर बाहर चली गई हो? सर, हर कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं, आप कब तक इंतजार करेंगे? मुझे तो लगता है कि मेरी खीर देखकर वो डर गई, उसे पता है कि मैं ही जीतूंगी। वो रही दालचीनी। दालचीनी, तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? देख, मैं तेरी माँ की तरह हूँ बेटा। गवर्नर, गवर्नर और जो माँ शब्द का अपमान भी किया तो जितने पाप किए ना आपने, आज उसकी सुनवाई होना बहुत जरूरी है। आपका खेल खत्म हुआ, आज आपको अपने गुनाह कबूल करने ही होंगे। चलिए बताइए, बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? मुझसे आपका खून हो जाएगा मैडम जी। मैंने कुछ नहीं किया तेरी बच्ची को। काचिरी, काचिरी, बहुत गुरूर था ना आपको अपनी माँ पर। आज इन्हीं के मुंह से इनकी सारी सच्चाई सुन लीजिए। बताइए, बताइए आपने क्या क्या पाप किए हैं? ना आज आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। बताइए। बेटा, हम घर चलकर बात करते हैं ना। घर क्यों? बात यही होगी सबके सामने और माता रानी की सब। पर आज आपने अपनी सच्चाई कबूल नहीं की ना, तो घर आप नहीं आपकी लाश जाएगी। मैं मानती हूं, आज मैं अपने सारे गुनाह कबूल करूंगी। मैं थक गई हूं, कबूल करूंगी सच में। मैंने सीढ़ियों के ऊपर से बीजी को धक्का देकर उन्हें पैरालाइज किया। मैंने रूपा और उसके बेटे करण को मारने की कोशिश की। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि कला ने ही दीपक को झील में धक्का मार कर मारा है, पर मैंने उसका बचाव सिर्फ इसलिए किया कि उसका इल्जाम मैं तुझ पे लगा सकूं। तुझे पागल बनाने का प्लान मेरा था। मैं तुझे पागल खाने भेजना चाहती थी, इसलिए सारा प्लान तैयार किया। Once and for all, तू हमारी जिंदगी से बाहर चली जाएगी, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। जब मुझे पता चला कि तूने मेरे बेटे से सारी सच्चाई कहती है, तो मैंने अपने इन हाथों से अपने इस बेटे को भांग के लड्डू खिलाए। ताकि मेरे बेटों को लड्डुओं को खाने के बाद कुछ याद दे रहे, तेरी बोली हर बात भूल जाए। तुझे पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगा? मैं राजरानी हूं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता,
लेकिन सिर्फ एक चीज से डर लगता है कि कोई भी इंसान मुझे मेरी औलाद से दूर ना करे। जिंदगी भर इसी डर में जी हूं मैं। जानती हूं दालची, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत पाप किए, लेकिन मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे एक मौका और दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे एक मौका और दे दे। I'm so sorry. भाभी, अभी आप ठीक तो हैं? भैया मुझे सब याद आ गया है। मुझे याद आ गया है कि कला ने कितनी बेरहमी से मेरी जान लेने की कोशिश की थी। उस झील में धक्का मुझे कला ने ही दिया था, और उसने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं उसकी सारी सच्चाई जान गया था। भाई भाई उसने चाले चल चल के आपके दिल में अपने लिए जगह बनाई है। उसने उसने जान बूझ करके भाभी को आपसे अलग किया। भाई कैसी मां निकली तू? अपने ही बेटे का घर उसकी खुशी उजाड़ दी तुमने। जी ऐसी मां होती है मैंने तो कभी नहीं देखा था। देखिए भाई, जिस औरत को आप अपनी पत्नी मानते हैं ना, इसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की है भाई। और जो कुछ एक साल पहले हुआ ना, वो तो बहुत दूर की बात है। इसने अभी भी मेरी जान लेने की कोशिश की है। कैसी मां है तू जो अपने ही बेटे का घर और खुशियां उजाड़ने में लगी हुई थी? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई दाजी? मुझे भरोसा तो तुम पर हमेशा से था, पर कहना कि मॉम के प्यार में अंधा हो रखा था मैं। उस मॉम के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया जो मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करती। I'm sorry, please, तुम्हें हमारी बच्ची की कसम, तुम्हें आलिया की कसम है, प्लीज आके खोलो दालची नहीं। पुत्र, इन सब के साथ साथ मैं भी तेरा गुनहगार हूं। मैं हाथ छोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं पुत्र। मेरी विनती है तुमसे पुत्र, एक बार फिर से तेज और उसके परिवार को अपने साथ छोड़कर पुत्र। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।